16 की शाम को ही शुरू हो गया गोटमार, 6 लोग हुए घायल। गोटमार मेले के लिए 700 पुलिसकर्मियों की लगी ड्यूटी। पांडुरना में लूट की योजना बनाते 5 रानी गैंग के सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पेट्रोल पंप को लूटने योजना बना रहे थे आरोपी। नागपुर की 3 महिलाएं चोरी के आरोप में ईएलसी में पकड़ाई, मंगलसूत्र और 10,000 रुपए चुराने का लगा आरोप। और जिले भर में धूमधाम से मनाया गया पोला पर्व, बैल जोड़ियों की हुई घर घर पूजा। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पांडुरना और सावर गांव के बीच प्रतिवर्ष पोला पर्व के दूसरे दिन गोटमार मेले का आयोजन किया जाता है। पोला पर्व की संध्या पर स्थानीय पांडुरना की गोटमार पुलिया में सोमवार शाम पत्थरबाजी की घटना देखने को मिली। गौरतलब है कि जिला प्रशासन द्वारा गोटमार मेले को रोकने के लिए क्षेत्र में धारा 144 लगा दी गई है। यहां पर 700 जवानों को तैनात भी किया गया है। बावजूद इसके गोटमार मेले की पूर्व संध्या पर जमकर पत्थरबाजी के नजारे देखने को मिले, जो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्था की कले खोलने के लिए काफी थे। पोला की देर शाम हुए इस गोटमार मेले में 6 लोगों के घायल होने की खबरें सामने आ रही थी, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई थी। पांडुरना में आयोजित होने वाले गोटमार मेले के लिए 700 पुलिस सुरक्षा कर्मियों का बल तैनात किया गया है। गोटमार मेले की पूर्व संध्या पर सभी पुलिस कर्मियों को अधिकारियों द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। 11 बजे दिन तक जो है आप लोगों को खाने के पैकेट आपके पॉइंट पे मिल जाएंगे। पॉइंट किसी हाल में नहीं छोड़ना है, प्रभारी अधिकारी को किसी हाल में नहीं छोड़ना है। पेट्रोल पंप लूटने की योजना बनाते ईरानी गैंग के 5 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटना पांडुरना थाना अंतर्गत चिचोली बड़ चौकी की है। पांडुरना पुलिस को रविवार देर रात सूचना मिली थी कि क्षेत्र में पात्री कर पेट्रोल पंप के नीचे सीएलसी टेक्सटाइल पार्क में कुछ लोग कार और मोटरसाइकिल से आए हुए हैं, जो किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो ईरानी गैंग के सदस्य बताए जा रहे हैं। पुलिस द्वारा लूट की वारदात को अंजाम देने के आरोप में वसीम पिता सिराज अब्बास, माशाल्लाह पिता मुनावर अली, मुख्तार अली पिता पुल्लू, जितेंद्र पिता गोकुल प्रसाद और गंगाराम पिता नंदराम को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से चाकू तलवार सहित 50,000 रूपए नगद और मोबाइल जब्त हुए हैं। ऑटो से मंगलसूत्र और 11,000 रूपए गायब करने के आरोप में कोतवाली पुलिस ने नागपुर की 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार खजरी चौक से योगिनी नागरे ऑटो में बैठकर फवारा चौक की तरफ आ रही थी। इस बीच जेल तिराहे के पास 3 महिलाएं ऑटो में बैठी, जिन्होंने योगिनी का मंगलसूत्र और पर्स में रखे 11,000 रूपए गायब कर दिए थे। इस मामले पर कोतवाली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ईएलसी के पास उक्त ऑटो से 3 महिलाओं को दबिश देकर पकड़ लिया, जिनके पास से चोरी गए सामान को बरामद किया गया है। साथ ही 3 महिलाओं को पूछताछ के बाद आज न्यायालय में पेश किया गया। फवारा चौक पे उतरने के बाद फरियादिया को एहसास हुआ कि उसका मंगलसूत्र और एक छोटा सा पर्स था, जिसमें 11,000 रुपये नगद रखे हुए थे, ये दोनों गायब हो गया, किसी ने चोरी कर लिया है। तो उन्हें संदेह हुआ कि जो महिला 3 सवारी के रूप में जो 3 लोग बैठी थी उन पे संदेह हुआ, तो तत्काल उन्होंने पुलिस को सूचित किया। कोतवाली पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उस महिला फरियादिया को साथ लेकर ईएलसी पे उस ऑटो को तलाश करके उसको रोक कर उन महिलाओं से पूछताछ किया गया। महिला फरियादिया द्वारा रिपोर्ट करने पर चोरी की रिपोर्ट दर्ज की गई। रिपोर्ट पश्चात विवेचना के दौरान 3 महिलाओं से पूछताछ कर चोरी गया मसरूका मंगलसूत्र और 11,000 रुपये नगद, कुल राशि लगभग 71,000 रुपये का होगा, बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई है। पोला का पर्व सोमवार के दिन जिले भर में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर किसानों ने अपनी बैल जोड़ियों को सजाकर उनकी पूजा अर्चना की। वहीं शहर में बरारीपुरा से गुड़ी निकालकर पोला ग्राउंड तक लाई गई, जिसके बाद पोला ग्राउंड में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सभी राजनीतिक पार्टियों के जनप्रतिनिधि और नेतागण मौजूद थे। मुझे कभी किसी से इस कार्यक्रम के लिए सहयोग नहीं लेने देते और ना ये कभी सार्वजनिक किसी से चंदा करके और इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं। ये स्वयं अपने जेब से खर्च करते हैं, आपस में बांट लेते हैं और ये सारी व्यवस्थाएं जो होती है चल समारोह से लेके अन्य जो पुरस्कार वितरण से लेके बाकी चीजें हैं वो सब करने का काम हमारे ये युवा साथी करते हैं। छिंदवाड़ा के जिला मुख्यालय सहित जिले के गांवों में डेंगू ने पैर पसार लिए हैं। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन इसकी रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ठोस कदम
नहीं उठाए जा रहे। आम लोगों की तरह जिला जेल के बंदी भी डेंगू और टाइफाइड की चपेट में आ चुके हैं। एक बंदी का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। जिला जेल के बंदी पिछले कुछ समय से डेंगू और मलेरिया जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। बंदियों को नियमित आवश्यक दवाइयां देने के साथ ही उनका जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों से स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है। एक डेंगू पॉजिटिव बंदी को पिछले दिनों जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डेंगू से ग्रसित होने के बाद भी जिन बंदियों के स्वास्थ्य पर ज्यादा असर नहीं पहुंचा है उनका जिला जेल के अंदर ही इलाज चल रहा है। जिला जेल प्रबंधन ने पिछले दिनों नगर निगम की टीम से जेल परिसर के अंदर फॉगिंग करवाने के साथ ही कुछ स्थानों से लार्वा भी नष्ट करवाया है। जिला जेल अधीक्षक यजुवेंद्र वाघमारे ने बताया कि इस वक्त जिले के अंदर 10 बंदी डेंगू पॉजिटिव जबकि 17 टाइफाइड से ग्रसित हैं। एक डेंगू से पीड़ित बंदी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है जबकि शेष का जेल के अंदर ही इलाज चल रहा है। वाघमारे ने बताया कि डेंगू की रोकथाम के लिए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं, साथ ही बीमार बंदियों को दवाइयां और पपीता भी दिया जा रहा है। जी, 12 जो डेंगू पॉजिटिव मिले हैं उसमें से एक बंदी जिसके प्लेटलेट्स कम हो गए थे तो हमें उसे तत्काल उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जिसके लिए पुलिस गार्ड के माध्यम से वो भर्ती है और बाकी जो 11 बंदी उनको हमने जिला चिकित्सालय ना भेजकर जेल में ही हमने उपचार दिया गया है उसको और डॉक्टरों के माध्यम से हम उनको उपचार लगातार दे रहे हैं और सभी की स्थिति अभी काफ़ी बेहतर है, सामान्य है सभी लोग। जी, नगर निगम ने हमने काफ़ी सपोर्ट किया है, लगातार उन्होंने 4-5 दिन तक जेल में फॉगिंग करवाई है और जितना भी कचरा था उसको कटवाने में साफ करवाने में नगर निगम ने बहुत सहयोग किया है और नगर निगम टीम अभी भी जेल कैंपस में काम कर रही है। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला, छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आरोग्य हॉस्पिटल कोरोना वॉरियर्स को नमन करता है। छिंदवाड़ा शहरवासियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए कोरोना महामारी के बीच आरोग्य हॉस्पिटल द्वारा संपूर्ण बीमारियों का इलाज एवं क्रिटिकल सेवाएं जारी रखी गई हैं, जिसमें सभी प्रकार की सर्जरी जैसे यूरो सर्जरी, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी जैसे ऑपरेशन एवं गंभीर बीमारियों का इलाज निरंतर जारी है। मरीजों की सेवाओं में ओपीडी, डे केयर एवं भर्ती जैसी सुविधा सुचारू रूप से दी जा रही है। रजिस्ट्रेशन कराएं और आरोग्य हॉस्पिटल की स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उठाएं। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी MDS, फिक्स दांत एवं 32 लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं, दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स 32, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकलने लगाने वाली 32। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड पांडे नर्सिंग होम के सामने छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। नगर निगम द्वारा 11 बिंदुओं के तहत शहर के समस्त मैरिज लॉन में जांच की जा रही है जिसमें अग्निशमन यंत्र, सड़क और पार्किंग सहित अन्य बिंदु शामिल हैं। इसी क्रम में निगम की टीम ने सोमवार को विभिन्न मैरिज लॉन का निरीक्षण किया जहां पर लॉन संचालकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। 2 लॉन की आज जांच की गई है ना, और अभी 31 बिंदुओं पर इनकी जांच की गई है ना, और बाकी अभी और लॉन पे जांच की चेक की जाएगी। क्या क्या कमी बेसी पाई गई? अभी कमियां तो नहीं भैंसी, अभी सबको वो दिया गया है, बताया गया है उनका क्या जो भी उनके बिंदुओं में कमी है उनको जानकारी दी गई है, उसके कागज सबमिट करने के लिए उनको कहा गया। आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष KC पवार के नेतृत्व में प्रदेश के समस्त जिलों में अतिथि शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर शिक्षक दिवस के अवसर पर काला दिवस मनाते हुए मध्य प्रदेश सरकार का विरोध जताया, जिसमें संघ ने विभिन्न मांगों को पूर्ण न करने पर प्रदेश सरकार के ऊपर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। आज हमने काली पट्टी इसलिए बांधी है कि हम मध्य प्रदेश सरकार का विरोध जता रहे हैं, क्योंकि हम लंबे समय से अपनी लंबित मांग 12 माह का सेवा काल और 62 वर्ष की उम्र तक पद स्थायित्व चाहते हैं, इसे लेकर हमने कई बार आवेदन व निवेदन मध्य प्रदेश सरकार से किया, किंतु आज दिनांक तक मध्य प्रदेश सरकार ने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया कि सरकार जल्द से जल्द हमारी मांगों को सुने और जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा करें। रविवार रात जिले के गहरा नाला में पानी उफान पर आ गया था, जिसके चलते यहां पर जाम की स्थिति निर्मित हो गई। पुलिस बल द्वारा मौके पर मोर्चा संभालते हुए वाहनों का आवागमन शुरू किया गया।
मोखेड़ जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत गोविंदवाड़ी माल में सोमवार को पंचायत भवन में कोविड टीकाकरण के लिए शिविर लगाया गया था, जिसमें 150 वैक्सीन डोज ग्रामवासियों को लगी। कुछ असामाजिक तत्व शराब पीकर वैक्सीनेशन सेंटर में पहुंच गए थे, जिनकी वहां पर वैक्सीनेशन अधिकारियों से विवाद होने के बाद धक्का मुक्की हो गई। कैलाशनगर उच्चतर माध्यमिक शाला में इनरव्हील क्लब द्वारा शिक्षकों के सम्मान में शिक्षक दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षिका माया गढ़वाल, मंजू बेले, अलका दुबे, अर्चना तिवारी, नंद कुमार डहरिया, संगीता परिहार का सम्मान शॉल श्रीफल देकर किया गया। इस अवसर पर इनरव्हील क्लब की ऋतु गोयल, सुदेश मक्कड़, दीपाली साहू, खुशी अग्रवाल, दीप्ति साहू, सीमा गुगनानी, हर्षावाला, अनेजा, मित्तल जुनेजा, माही खंडेलवाल उपस्थित रहे। भाईदे कॉलोनी नोनिया करबल वार्ड 45 में बीते दो दिनों से चल रही भजन सत्ता का सोमवार को समापन हुआ। इस सत्ता का आयोजन क्षेत्रवासियों द्वारा अच्छी बारिश होने और कोरोना की तीसरी लहर नहीं आने के उद्देश्य से किया गया था, जिसमें पंडित ईश्वर प्रसाद शर्मा द्वारा विधिवत पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक साहू और पूर्व विधायक रामदास उइके भी कार्यक्रम में शामिल हुए। लोधीखेड़ा में सोमवार के दिन पोला का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर किसानों ने बैलों का सजा कर उनकी पूजा अर्चना की। इसके बाद गांवों में मेले का शुभारंभ हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। वही पोले का त्यौहार किसानों का त्यौहार है और किसान अपनी बैलों की पूजा अर्चना करके खुशी खुशी मनाए जाते हैं। पर दो साल से कोरोना कारण पूरा नहीं हो रहा था, इस साल भी किसानों ने अपने 100 बल के ऊपर जबरदस्ती पोला मनाया। आग लग जाने से सौसर की एक सेल दुकान में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। घटना रविवार रात की है, जहां सौसर नगर के व्यस्ततम मार्केट डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर चौक के ठवरे कॉम्प्लेक्स में बनी सेल दुकान में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। इस आग से लगभग 10 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। अमरवाड़ा में सोमवार को विधायक राजा कमलेश प्रताप शाह द्वारा एक नई एम्बुलेंस की सौगात क्षेत्रवासियों को दी गई है। हॉस्पिटल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में एम्बुलेंस का आज विधि विधान पूर्वक पूजन कर हॉस्पिटल प्रबंधन को विधायक द्वारा चाबी सौंपी गई। इस मौके पर अमरवाड़ा SDM दीपक वैद्य, BMO डॉक्टर अर्चना कैथवास सहित अन्य लोग मौजूद थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।